ग्रॅव्हिट्स फाउंडेशन आणि युनिसेफ महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने बाल्यावस्थापूर्व संगोपन या विषयावरील गोलमेज परिषद नुकतीच पुण्यामध्ये संपन्न झाली. या परिषदेमध्ये राज्यसभा खासदार डॉक्टर मेधा कुलकर्णी, राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, ग्रॅव्हिट्स फाउंडेशनच्या संस्थापिका उषा काकडे, युनिसेफ महाराष्ट्राचे प्रमुख संजय सिंग, बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर प्रमोद जोग, बाल्यावस्थेतील संगोपन अभ्यासक डॉक्टर सिमिन इराणी, अभिनेत्री शबाना आझमी, अभिनेत्री तनिषा मुखर्जी आदींनी आपले विचार देखील व्यक्त केले. यावेळेला बोलत असताना आपल्या भारतीय समाजमानामध्ये पुरुषप्रधान मानसिकता असून स्त्रियांच्या संदर्भात असमानता आजही टिकून आहे. या पार्श्वभूमीवरती भविष्यामधील पिढीचे प्रतिनिधी असणारी बालकांची पिढी घडवायची असेल तर समाजमनातील पुरुषप्रधान मानसिकता बदलण्याची नितांत आवश्यकता आहे असं प्रतिपादन ज्येष्ठ अभिनेत्री सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आझमी यांनी व्यक्त केलंय. तसेच बालकांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याचा ग्रॅव्हिट्स फाउंडेशन आणि युनिसेफचा पुढाकार सुप्त असल्याचं देखील मत त्यांनी व्यक्त केलंय. उषा काकडे जो ग्रॅव्हिट्स फाउंडेशन बहुत आभार मानती हूँ की उन्होंने इतना इम्पॉर्टंट स्टेप लिया है और ख़ास तौर से यूनिसेफ को, क्योंकि यूनिसेफ का ये मानना है कि अगर हमको माहौल में बदलाव लाना है तो उसमें बहुत सारी पार्टनरशिप्स की ज़रूरत है. ये एक इंसान का काम नहीं है. जैसे कि आपने बताया कि देखिए सरकार की तरफ से तो बहुत इनिशिएटिव्स हैं मगर सिर्फ वहाँ जो है केंद्र बिंदु लग जाएगा तो नहीं होगा. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण इश्यू है क्योंकि इसके बारे में हमारे समाज में पूरी तरह से चर्चा नहीं होती है. और इसमें जब आपको इसकी समझ आएगी तो आप आज बच्चे की परवरिश किस तरह से करें, पहले तो उसके सिर्फ सुरक्षा की बात करेंगे लेकिन उसकी परवरिश कैसे होती है उस पर कल का समाज कैसा होता है वो जो है निर्धारित है. इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तर सूरज मांढरे यांनी शासकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना विशेषतः ग्रामीण भागामधील बालकांचे आणि स्त्रियांचे वास्तव मांडले. छोट्या कृती, संवाद, वाक्य यातूनही बालकांच्या बाबतीत मुलगा मुलगी असे भेद केले जातात. बालकांची मानसिकता निरीक्षणामधून शिकण्याची असते. आपापसात व्यक्ती जे बोलतात आणि आचरण करतात त्यावरून अगदी बालवयापासूनच पुरुष शक्तिमान, सामर्थ्यवान आणि स्त्री नाजूक असे समीकरण बालकांच्या मनावर रुजते. त्यामुळे पालक आणि कुटुंबीय यांची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. इसमें यह है कि हमारी जो SCERT है, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वहाँ हमारी एक कोर कमेटी होती है. तो जितने भी कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ मैं हमेशा ये खबरदारी लेता हूँ कि उन लोगों को उस कोर कमेटी से मैं कनेक्ट कर देता हूँ. जैसे कुछ दिनों पहले हम अनन्या फाउंडेशन एक काम करता है उसके पास हम गए थे, ठाणे में काम कर रहा है, उसे हमने कनेक्ट किया. काफ़ी सारे अर्पण है, संकल्प है, बहुत सारे हैं. तो अभी हम इनके साथ भी अभी हमने उनसे बात की है कि वी विल गेट कनेक्टेड विद ईच अदर एंड वी विल ट्राई टू इंस्टीट्यूशनलाइज इट. दो चीज़ें जो बहुत खास करके उभर के आई है इस कॉन्फ्रेंस में, एक तो चीज़ है कि ये हर एक की जिम्मेदारी है. हम ऐसी संजीदा घटनाएं जब होती है तो हम हमेशा पॉइंटिंग फिगर्स एट ईच अदर ऐसा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि कोई प्रॉब्लम्स होते हैं वो सोशल प्रॉब्लम होते हैं जिसका हल समाज के हर स्टेक होल्डर ने ढूंढना चाहिए और करना चाहिए. जैसे बहुत अच्छे से किसी ने बताया कि जो कुछ कर नहीं रहे उन्होंने कुछ करना चाहिए, जो कुछ थोड़ा बहुत कर रहे उन्होंने ज़्यादा करना चाहिए और जो बहुत ज़्यादा कर रहे उन्होंने अच्छे से करना चाहिए. तो इस कॉन्फ्रेंस से वो बात सामने आई. दूसरी बात ये सामने आई कि पहले 1000 दिन बहुत ज़रूरी है. पहले 1000 दिन में जो परवरिश उस बच्चे को मिलती है उसी से वो आदमी बनता है, वही उसी से वो औरत बनती है. तो ये दोनों चीज़ें मैसेज मैंने ठीक तरीके से लिया और गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम होंगे उसमें इसकी जरूर सहायता ली जाएगी. तसेच संजय सिंग म्हणाले की प्रत्येक बालकाला स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून मूलभूत अधिकार मिळाले पाहिजे हे युनिसेफचे मुख्य तत्व आहे. समाज म्हणून 5 मुख्य मुद्द्यांवरती युनिसेफ भर देते. बालकांचे आरोग्य, योग्य पालन पोषण, जबाबदार आणि प्रतिसादात्मक पालकत्व, समान दर्जा आणि सुरक्षा ही पंचश्रुती आहे. ही 5 तत्वे हा प्रत्येक बालकाचा अधिकार आहे. जैसा कि लोगों ने कहा कि पहला 1000 डे में 80% ब्रेन डेवलप करता है और ये इरिवर्सिबल है. आपने वो पीरियड मिस किया तो वो मिस कर गया और बच्चे का विकास उसके हिसाब से नहीं हो पाएगा. तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बट हमें देखना होगा कि हर एक लेवल्स पे काम करने का ज़रूरत है. सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, सरकार सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है बट लोगों को सामने आना पड़ेगा सर्विस लेने के लिए. आपका इंसेंटिव है
डिलीवरी के लिए, बट महिलाओं को आना पड़ेगा, वैक्सीन है। वैक्सीन क्यों कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में 50% से कम है? लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो एक तो इंडिविजुअल लेवल पे, लोगों के लेवल पे काम करना है, फैमिली के लेवल, बहुत बार फैमिली मेंबर्स ही वो कोई व्यवहार को प्रैक्टिस करने या नहीं करने में बाधक होते हैं। एक बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करो 6 महीना तक, बट घर के अंदर अगर फैमिली मेंबर्स ही उसको नहीं सपोर्ट करेगा, नहीं कर पाएगा। फिर तीसरा समाज के लेवल पे कम्युनिटी बिलीफ, सोशल नॉर्म, एंड चौथा ऑब्वियसली तंत्र के ऊपर। तो ये चारों लेवल पे हमें देखना होगा कि ब्रोकन स्टोरी कहाँ है एंड उसको स्ट्रिच करना। थैंक यू वेरी मच।